वेलकम सर, नमस्कार। नमस्कार 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 पूरा थैंक यू। नमस्कार नमस्कार थैंक यू। पूरा बीसीसीएल समाज सर आपका स्वागत कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बीसीसीएल परिवार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता रहे। धन्यवाद सर। आज नमस्कार स्नेह परोपकार केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर रांची से डिजिटल माध्यम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा से जुड़े हुए माननीय अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक महोदय श्रीमान गोपाल सिंह साहब, धनबाद में ही निदेशक तकनीकी संचालन श्री राकेश कुमार साहब, निदेशक वित्त श्री समीरन दत्ता साहब, निदेशक तकनीकी परियोजना व योजना श्री चंचल गोस्वामी साहब, निदेशक कार्मिक श्री पी वी के आर मल्लिकार्जुन राव साहब, सीएमडी सर के तकनीकी सचिव श्री अरुण कुमार साहब, महाप्रबंधक श्री डी के सिन्हा, यहाँ उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया कर्मी और कोयला नगर के उपस्थित विद्वत समाज, आप सभी का भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से आज स्नेह परोपकार केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम चूंकि अध्यक्ष प्रबंध निदेशक महोदय यहां पर डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उनका विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं और यहां पर उपस्थित अपने निदेशक मंडल सदस्यों के पुष्पगुच्छ से स्वागत के लिए मैं महाप्रबंधक श्री बी के सिन्हा साहब से अनुरोध करता हूँ। महोदय आपसे अनुरोध है कृपया आप यहाँ पर उपस्थित निदेशक मंडल को पुष्पगुच्छ से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। सर एफडीज के तरफ से ये पुष्प आपको समर्पित सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज पूरा विश्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जन्म जयंती मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में आयोजित किया जाने वाला यह दिवस पूरी दुनिया भर में अपने अनूठे अंदाज में मनाया जा रहा है। आपकी कंपनी बीसीसीएल ने अपने निराले अंदाज में आज अनेक आयोजनों की विशाल श्रृंखला आयोजित की। बीसीसीएल मुख्यालय में सुबह स्वच्छता शपथ आयोजित कर महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद निदेशक कार्य महोदय के नेतृत्व में वृद्धाश्रम टुंडी और निर्मला कुष्ठ केंद्र में उनकी जरूरत के सामान व भोजन का वितरण हुआ। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय भी कहीं पीछे नहीं रहे आयोजनों में। बरौरा क्षेत्र में महात्मा गांधी कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। ब्लॉक क्षेत्र में इको रेस्टोरेशन पार्क का उद्घाटन हुआ। गोविंदपुर क्षेत्र में महात्मा गांधी स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन हुआ। कतरास क्षेत्र में महात्मा गांधी स्मृति उपवन का उद्घाटन हुआ। बस्ता कोला क्षेत्र में महात्मा गांधी इको रेस्टोरेशन पार्क का उद्घाटन किया गया। लोकनाथ क्षेत्र में महात्मा गांधी इको रेस्टोरेशन पार्क का भी उद्घाटन हुआ। अब इसी कड़ी में आज हम यहाँ स्नेह परोपकार केंद्र के शुभ उद्घाटन के अवसर पर एकत्रित हैं। आज इस विशिष्ट कार्य के लिए महात्मा गांधी की जन्म जयंती का अवसर चुना गया है। महात्मा गांधी अपने जीवन काल में सत्य और अहिंसा से नहीं डिगे और परोपकार के रास्ते पर चलते रहे। बापू के परोपकार की विशालता के आगे व्यक्ति, समाज, देश सभी गौण है। अब इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित निदेशक मंडल से अनुरोध करता हूँ कृपया दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत करें। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जानी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए परोपकार से बढ़कर कोई सेवा नहीं थी और मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं था। आज भारत कुकिंग कोल लिमिटेड द्वारा उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए स्नेह परोपकार केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति के संपूर्ण वांग्मय परोपकार की महिमा से भरे पड़े हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म को ही परोपकार बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, परहित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई। महर्षि व्यास भी तो लिखते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं दयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।
इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, जितना प्राप्त हुआ है उसका कुछ अंश लौटाना हम सबका दायित्व है। अब इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज करते हुए निदेशक तकनीकी महोदय, निदेशक वित्त महोदय, निदेशक तकनीकी परियोजना योजना महोदय, निदेशक कार्मिक महोदय, दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। आज मौका है स्नेह परोपकार केंद्र के शुभारंभ का। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यह शुभारंभ कार्यक्रम किया जा रहा है। अब वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। अब पंडित जी से अनुरोध है, कृपया पूजा कर, जो विधिवत पूजा करनी है इसके साथ में इस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत कर देंगे। कृपया आप अपनी पूजा करें, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में आप अपनी पूजा करें। अब अध्यक्ष प्रबंध निदेशक महोदय से अनुरोध है, कृपया आप निदेशक मंडल को अनुमति प्रदान करें कि इस स्नेह परोपकार केंद्र का शुभारंभ और अनावरण किया जा सके। मुझे संदेह है, कृपया अनुमति प्रदान करें। नहीं, निदेशक मंडल की इनिशिएटिव है, नारियल फोड़ना भी वही लोग डिजर्व करता है, कृपया शुभारंभ करें। धन्यवाद सर। सर यह सारा कार्यक्रम आपके बिहाफ पे हो रहा है, तो आपकी अनुमति होगी तो आपके बिहाफ पे सारा निदेशक मंडल आगे के कार्यक्रम को हम लोग अनावरण वगैरह कर देंगे। नहीं बिल्कुल, अनावरण कीजिए, फर्क था कि आप लोग, आप तुम्हारी इनिशिएटिव है राकेश। धन्यवाद सर। निदेशक तकनीकी महोदय द्वारा नारियल फोड़ कर आज स्नेह परोपकार केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। निदेशक तकनीकी श्री राकेश कुमार साहब स्नेह परोपकार केंद्र का शुभारंभ नारियल फोड़ने के साथ में कर रहे हैं। उद्घाटन समारोह निमित्तः प्रारंभ इति इष्ट देवता मन पितार्थाय निमित्तक नारी के संकल्प अहम करिष्ये। जय नारियल फोड़कर शुभारंभ करते हुए निदेशक तकनीकी महोदय श्रीमान राकेश कुमार साहब, अब अनुरोध है कि कृपया फीता काटकर स्नेह परोपकार केंद्र के कार्यालय कक्ष का उद्घाटन करें।
मैं अनुरोध करता हूँ निदेशक मंडल से, निदेशक मंडल के सदस्यों से अनुरोध है कृपया स्नेह परोपकार केंद्र के कार्यालय कक्ष का उद्घाटन गीता काटकर करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब अनुरोध है स्नेह परोपकार केंद्र में लगाई गई सापट्टी का अनावरण करें। मैं माननीय निदेशक मंडल से अनुरोध करता हूँ कृपया इस अवसर पर लगाई गई शिला पट्टी को अनावरित करें। इस परोपकार केंद्र में लगाई शिला पट्ट का अनावरण माननीय निदेशक मंडल के द्वारा किया जा चुका है। धन्यवाद सर। आज बहुत ही शुभ घड़ी में विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर, बापू की जन्म जयंती के अवसर पर BCCL द्वारा स्नेह परोपकार केंद्र का शुभारंभ किया गया। धन्यवाद सर। अब महोदय आपसे अनुरोध है कृपया अपने निर्धारित स्थल पर अपना स्थान ग्रहण करें। सर आपके बिहार पे हम लोगों ने लोकार्पण कर दिया। थैंक यू। इट्स अ ग्रेट मोमेंट। धन्यवाद सर। अब मैं निदेशक मंडल और यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कृपया स्नेह परोपकार केंद्र जिसका शुभारंभ किया गया है कृपया उसके अंदर जो आज व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिन वस्तुओं का दान किया जाना है, जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, उसको आगे जाकर एक बार आप देख लें और उसके बाद इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। निदेशक मंडल के सदस्य स्नेह परोपकार के केंद्र के अंदर जाकर यहाँ मुआयना करते हुए परोपकार को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसने परोपकार केंद्र की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है। इसने परोपकार केंद्र जिसकी टैगलाइन है दान बढ़ाए मान सम्मान। इसने परोपकार केंद्र BCCL परिवार की एक ऐसी सोच, एक ऐसी कोशिश है जो हमारे जिले के आर्थिक रूप से निःशक्त वासियों के आत्मसम्मान का ख्याल रखते हुए उनको सहारा प्रदान करेगा एवं उनकी सहायता करेगा। इस मुहिम के तहत कोयला नगर एवं आसपास स्थित समस्त BCCL कर्मियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के घरों में जो वस्तुएं उनके उपयोग की नहीं है, जैसे पुराने कपड़े, पुरानी किताबें, रसोई के सामान, राशन, स्टेशनरी का सामान, न उपयोग होने वाली दवाइयां, जूते इत्यादि, वो उन्हें परोपकार केंद्र में उन वस्तुओं को दान कर सकते हैं जिसे उसी केंद्र द्वारा निःशक्त साधनहीन लोगों में बांटा जाएगा। इस मुहिम में विशेष आकर्षण के रूप में सुहाग पेटी को
स्नेह परोपकार केंद्र का मुआयना करते हुए और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए हमारे निदेशक मंडल के माननीय सदस्य और साथ में वरिष्ठ अधिकारीगण अब मुआयना और जायजा के पश्चात अब बाहर निदेशक मंडल के सदस्य आ चुके हैं। परोपकार के लिए ही बहती है, गाय परोपकार के लिए दूध देती है और यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है। यह स्नेह परोपकार केंद्र इसकी एक मानक संचालन प्रक्रिया बनाई गई है। यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, यह केंद्र हर हफ्ते मंगलवार से रविवार जनोपकार के लिए खुलेगा। केंद्र खुलने का समय सुबह 10:30 से 12:30 बजे का रहेगा। इस केंद्र में 10:30 से 12:30 बजे तक वस्तुएं में दी जा सकती हैं। केंद्र में विभिन्न वस्तुओं के दान के लिए कोयला नगर और आसपास के घरों में जरूरत के अनुसार खुशियों का झोला बांटा जाएगा, जिसमें गणमान्य उपकारक वस्तुओं को केंद्र तक पहुंचा सकेंगे। घर पे झोला ना होने से आप खुशियों का झोला मंगवा कर दान कर सकते हैं या रोटेशन चलता रहेगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि स्वयं ही केंद्र में आकर दान की वस्तुएं दें। केंद्र से विभिन्न वस्तुएं ले जाने के लिए लाभार्थियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड या बीपीएल कार्ड से अपनी पहचान दर्ज करानी होगी। लाभार्थी को प्रति वस्तु 10 रुपए की न्यूनतम राशि केंद्र को देनी होगी, जो केंद्र के संचालन में उपयोग की जाएगी। प्रत्येक लाभार्थी 1 दिन में अधिकतम 2 एवं 1 महीने में अधिकतम 4 ही वस्तु। हमारे निदेशक कार्मिक महोदय आज जरूरतमंद लोगों को जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं उनको वस्त्र परिधान इत्यादि का वितरण कर रहे हैं। निदेशक कार्मिक महोदय इन्हें जरूरत के वस्त्र और मास्क इत्यादि का वितरण किया जा रहा है निदेशक कार्मिक महोदय के द्वारा। जिस उद्देश्य से इस केंद्र का शुभारंभ किया गया है उसके कार्यों की शुरुआत करते हुए माननीय निदेशक कार्मिक महोदय। इस केंद्र में प्रत्येक लाभार्थी 1 दिन में अधिकतम 2 और 1 महीने में अधिकतम 4 ही वस्तुएं स्नेह परोपकार केंद्र से ले सकते हैं। केंद्र के द्वारा दान स्वरूप दी जाने वाली सुहाग पेटी के लिए दानकर्ता अपनी इच्छा अनुसार कांस्य पेटी, रजत पेटी और स्वर्ण पेटी या इसमें लगने वाली राशि केंद्र में जमा कर सकते हैं, ताकि इस केंद्र में पेटी उपलब्ध करा ली जाए। सुहाग पेटी में अन्य वस्तुओं के वैकल्पिक दान की वस्तुएं दानकर्ता केंद्र दे सकते हैं। शादी से पूर्व पेटी पाने के लिए शादी का प्रमाण पत्र जैसे शादी का कार्ड इत्यादि केंद्र पर दिखाना अनिवार्य है। अधिक से अधिक दान करके ईश्वर के वही खाते में अपने पुण्यों की संख्या बढ़ाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ में इसने परोपकार केंद्र का शुभारंभ किया गया है। आइए अब अवसर है यहाँ पर उपस्थित हमारे निदेशक मंडल के सदस्यों को सुनने का, उनके संदेश को ग्रहण करने का और वक्तव्य की कड़ी में न संदेश देने की कड़ी में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं जरूरतमंद लोग अपनी जरूरत की वस्तुएं प्राप्त करने के पश्चात यहां से निकलते हुए। अब मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित BCCL के माननीय अध्यक्ष प्रबंध निदेशक महोदय श्रीमान गोपाल सिंह साहब से अनुरोध है, कृपया इस अवसर पर संबोधित करें, कृपया इस अवसर पर अपना आशीर्वचन हमें दें। माननीय श्री गोपाल सिंह साहब, थोड़ा डायरेक्टर साहब से बुलवाओ। जी सर। मैं यहाँ पर उपस्थित निदेशक तकनीकी संचालन श्री राकेश कुमार साहब से अनुरोध करता हूँ, महोदय कृपया इस अवसर पर आप हमें संबोधित करें। आपसे अनुरोध है कृपया अपना संदेश और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। श्री राकेश कुमार साहब,
आज बीसीसीएल के लिए एक बहुत ही गौरव का दिन है कि हमारे बीसीसीएल के यहाँ माननीय श्री गोपाल सिंह साहब अध्यक्ष दीक्षा महिला मंडल श्रीमती परमिला सिंह मैडम आपके प्रेरणा से बीसीसीएल के निदेशक मंडल और समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने एक बहुत ही परोपकारी कार्य को शुरू करने का मन बनाया और इसी परिकल्पना के अनुरूप स्नेह पुरस्कार केंद्र की स्थापना आज के दिन में संपन्न हुई है। बीसीसीएल और विशेषकर श्री गोपाल सिंह साहब कल्याणकारी कार्यों के प्रणेता माने जाते हैं। अपने पूरे सेवा काल में गोपाल सिंह साहब ने इस तरह के तमाम केंद्रों की स्थापना की है, सीसीएल एसीसीएल कायाकल्प अभियान कायाकल्प केंद्र, ये सारी चीजें इनके सकारात्मक सोच का परिणाम है। जैसा कि हमारे उद्घोषक महोदय ने इस केंद्र की स्थापना के उद्देश्यों के बारे में बता दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस केंद्र के माध्यम से हमारे पास में जो भी अतिरिक्त वस्तुओं होंगी उसे हम यहाँ दान करेंगे और जो वाकई में इन चीजों की जरूरत है वो यहाँ से ले जाएंगे। सबसे अच्छी चीज एक नई चीज यहाँ पे जो की जा रही है सुहाग बेटी की, जो गरीब तबके की कन्याएं हैं जिनकी शादी होगी सुहाग बेटी की व्यवस्था यहाँ की गई है, उसमें कांस्य रजत स्वर्ण पेटी है और मुझे लगता है कि एक परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। मैं इस अवसर पर अपने अध्यक्ष प्रबंध महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी प्रेरणा हमें मिलती रहेगी ताकि हम लोग पूरे उत्साह के साथ में ऐसे अन्य कल्याणकारी कार्यों को करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अध्यक्ष का और अपने निदेशक मंडल के तमाम सहयोगी यहाँ हमारे तमाम महाप्रबंधक महोदय हमने साथीगण और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपना योगदान दिया है और कितने लोग YouTube के माध्यम से जुड़े हैं। और मैं आपको बताऊं कि भारतवर्ष ही नहीं विदेश से भी बहुत लोग इस कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं। तो एक अच्छा संदेश BCCL के लिए जाएगा कि BCCL अपने CMD श्री गोपाल सिंह साहब के नेतृत्व में कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर आपके प्रेरणापूर्ण संबोधन के लिए, बहुत बहुत आभार। और अब मैं अनुरोध करता हूँ भारत कोकिंग को लिमिटेड के माननीय अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक महोदय श्रीमान गोपाल सिंह साहब से महोदय के प्रयास अवसर पर आप हमें संबोधित कर अपना आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय श्री गोपाल सिंह साहब और नहीं बोलेंगे डायरेक्टर्स अभी जो है चंचल संविधान डीपी साहब बोलिए दो दो शब्द। आप बोलिए सर, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए सर। हम लोग के बिहार से गांधी साहब बोले।
हमारे सहकर्मी, हमारे घनिष्ठ मित्र निदेशक तकनीकी राकेश कुमार साहब, निदेशक पीएनपी मिस्टर चंचल गोस्वामी, डायरेक्टर फाइनेंस समीरन, डायरेक्टर राव साहब, आवाज आने लगी। स्थल पर उपस्थित हमारे सभी, मेरी आवाज जा रही है, स्थल पर उपस्थित हमारे सभी साथियों, दोस्तों, कोई महिला भी है, सम्मानित महिलाएं, पंडित जी जिन्होंने उद्घाटन कराया, मेरे पत्रकार बंधुओं, सम्माननीय जनप्रतिनिधि, हमारे यूनियन के प्रतिनिधिगण एवं दोस्तों, आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बापू का 150वां जन्म दिवस है, ये हम भारतीयों के लिए, मैं समझता हूं, सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है और एक महान दिवस है, क्योंकि दोस्तों ये सच्चाई है कि आज यदि हम स्वतंत्र भारत में विराजमान है तो ये बापू के संघर्ष की बदौलत, बापू ने जो सैक्रिफाइस किया उसकी बदौलत, और आज भारतवर्ष की तुलना विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में होती है, इसकी नींव भी बापू ने ही रखा था। तो आइए हम सब मिलकर महात्मा गांधी बापू को शत शत नमन करें, और इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साथ ही साथ शुभकामना देता हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो कल्पना महात्मा गांधी ने, हमारे बापू ने जो की थी भारतवर्ष के लिए पूर्ण स्वराज की, वो कल्पना साकार हो। दोस्तों, ये जो आज की शुरुआत है, जो आज की इनिशिएटिव है, स्नेह परोपकार केंद्र, ये बहुत बड़ी सोच का परिणाम है, और इसके लिए मैं निदेशक मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जब हमें राकेश कुमार ने पूरा, हमारे डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशंस, जब हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि बापू के पूर्ण स्वराज को साकार करने में ये एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। पूर्ण स्वराज क्या था, पूर्ण स्वराज का स्वप्न क्या है, जो मैं समझता हूं कि समाज के हर व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं मिले, हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, और किसी भी व्यक्ति को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता न हो। हमें आजाद हुए दशक गुजर गए, मगर आज भी ये सच्चाई है कि इतनी विसंगति है, इतनी डिस्पैरिटी है कि कई लोग सुबह में 4 बजे इसलिए जगते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कम रहे, क्योंकि वो इतना खा लिए हैं कि वो खाने, ज्यादा खाने से परेशान है, और वहीं हमारा दूसरा साथी सुबह सुबह जगता इसलिए है, यदि सुबह में 4 बजे नहीं जगा तो उसको उस दिन के लिए भोजन के लिए वो 10 रुपए 50 रुपए की कमाई नहीं हो पाई। इतनी बड़ी विसंगति एक ही समाज में,
और दोस्तों ये सच्चाई है, चाहे हम जिस कुर्सी पे भी हों, आप जिस कुर्सी पे भी हों, मगर वास्तविकता यही है कि हम सब लोगों को बनाने वाला एक है। और कई लोग पूछते हैं कि आपने किसी भगवान को देखा है, अल्लाह ईश्वर को देखा है क्या? बात सच है कि शायद किसी ने नहीं देखा है भगवान को, ऊपर वाले को, लेकिन जिनको हम मानते हैं आज की तारीख में अपना आदर्श किसी भी धर्म में, उनको हम लोगों ने जरूर देखा है। और वो सबको बनाने वाला एक है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो हमें समझ आता है कि दुनिया के किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति को आप देख लो, उसके रक्त का रंग हमेशा लाल हो। आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को देख लो, उसका जब भी मस्तिष्क होगा, ब्रेन यहां हो। किसी व्यक्ति को आपने देखा है जिसका किडनी घुटना में लटक रहा हो? सबकी किडनी यहां होगी, हार्ट यहां होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखे होंगे जिसका हार्ट यहां लटक रहा हो, किडनी यहां लटक रही हो, लंग्स घुटने में लटक रहा हो। बेसिक हमारी आकृति है पूरे विश्व में एक है। रंग मौसम के हिसाब से जरूर बदलता है, मगर ये सच्चाई है। और ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सबको बनाने वाला ढांचा, मोल्ड एक है। यानी सबको बनाने वाला जो माली है वो एक है। और वो जब एक है दोस्तों, तो मान लीजिए हम ठीक है पढ़ाई लिखाई थोड़ा सिंसियरली करिए, हमें ऐसे माता पिता मिल गए जिन्होंने हमें उचित डायरेक्शन दिया और हमें लाकर डायरेक्टर जीएम और सीएमडी की कुर्सी पे बैठा दिया, लेकिन हम सब लोगों का यह भी फर्ज बनता है कि यदि हमें ये मौका मिला है अपने माता पिता के माध्यम से, ये मौका मिला है तो मौका हमें ऊपर वाला दिया है, और इसलिए नहीं दिया है कि हम कुर्सी पर बैठकर महज वो आडंबर में कि हम तो भाई सीएमडी हैं, डायरेक्टर हैं, जनरल मैनेजर हैं, उसी दंभ में हम घूमते घूमते पूरा जो है 60 वर्ष की अपनी जो रिटायरमेंट एज है वहां तक पहुंच जाएं और कुछ न करें। उसके लिए नहीं ये कुर्सी मिली है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। और हमें लगता है कि ऊपर वाला हमें देखता है कि यार इसको ये मौका दिया, ये जरा देखो तो हिसाब किताब तो लोग बोलते हैं ना, चंद्रगुप्त जी सबका हिसाब किताब रखते हैं, तो वो जरूर कहीं ना कहीं रखते होंगे कि यार इसको मौका तो हमने दिया, लेकिन ये किया क्या? हमारे समाज की व्यवस्था है, प्रजातंत्र की व्यवस्था है कि मौका दिया जाता है लोगों को, जनता फिर उनका कुछ इंटरवल के बाद आकलन करती है कि इन्होंने कुछ किया कि नहीं, अपने पद के अनुरूप कुछ इन्होंने समाज को दिया कि नहीं, और नहीं देते हैं तो फिर उस हिसाब से जनता उसके साथ उसी तरह बिहेव करती है। हमें भी मौका मिला है और इस मौके हम बड़े भाग्यवान हैं, बड़े सौभाग्यवान हैं कि हमें ये जिम्मेवारी मिली है। और दोस्तों यदि इस जिम्मेवारी मिलने के बाद हम यदि मानवता के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो मैं तो कई बार कहता हूं कि लोग कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, 84 लाख माने सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा सब आप बनते रहते हैं 84 लाख योनियों में, तब जाकर आप मनुष्य बने। और मनुष्य का जीवन मिला हमें और यदि हम इसको सार्थक नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूं ऊपर बनाने वाला भी बड़ा पछताता होगा कि यार इसको बेकारी है, मनुष्य बना दे, इसको बेकारी है, ऐसा अपॉर्चुनिटी मौका दे, इसने तो कुछ भी नहीं किया, तो सिर्फ आडंबर में दंभ में घूमते घूमते सारा समय गुजार लिया, उसको अफसोस होगा। उसको अफसोस होगा तो कहीं ना कहीं हमें भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैं तो हमेशा मानता हूं, और हम और राकेश कुशमुंडा में थे, राकेश याद होगा जब मैं वहां जनरल मैनेजर था तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ता था, तो वहां वो पंक्तियां हमने लिखवाया था कि कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कीजिए हम हंसे जग रो। कबीरदास कहते हैं बड़ा सिंपल लैंग्वेज में कि जब बच्चा पैदा होता है
तो सब लोग तालियां बजाते हैं कि चलो घर में एक बच्चा आया, लेकिन बच्चा तो होता है, यार हम कहां थे कहां चले आए। उसी पर कबीर दास कहते हैं कि ऐसा कर्म करो, ऐसी करनी कीजिए कि हम हंसें जब इस संसार से विदा लेने का समय हो, तो हम हंसे कि भाई हमने तो मनुष्य का जन्म चलो सार्थक किया, जो हमें जिम्मेवारी मिली थी हमने उसका निर्वहन किया, और समाज अफसोस करे यार एक अच्छा आदमी था चला गया। आज की तारीख में तो लोग मरते भी हैं तो पड़ोसी बोलता है कि चलो बड़ा अच्छा हुआ पृथ्वी पर से बोझ कम हुआ। ये इस दौर में हम पहुंच गए। तो मेरा ये वक्तव्य का सारांश ये है कि हमारे BCCL परिवार के साथियों, विशेषकर निदेशक वृंद, हमारे घनिष्ठ मित्रों, ये एक अपॉर्चुनिटी है, और मैं आपको बताऊं मानवता की सेवा करने की, और यदि हम मानवता की सेवा नहीं किए तो जो हमारा लक्ष्य है जिसके लिए हमें यहां देश की 125 करोड़ जनता तनख्वाह देती है, हर साल हमारी कंपनी को कोयले का एक लक्ष्य मिलता है कि 34 मिलियन 35 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करना है, यदि हमें सभी स्टेक होल्डर्स का साथ नहीं मिलेगा, यदि हम मानवता के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे, तो कभी भी आपको स्टेक होल्डर्स का साथ कभी नहीं मिलेगा। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट अफेक्टेड पर्सन हैं, श्रमिक बंधु हैं, गरीबी हैं, गरीब हैं, जो लोग भी हैं, विजेता हैं, जब तक उनका हमारी टीम पर विश्वास नहीं होगा कि नहीं ये साहब सिर्फ नौकरी नहीं करता है, हमारे बारे में चिंता भी करता है, जब तक ये हमारे स्टेक होल्डर्स, ये गांव वाले, ये जिनको हम इनक्रोचर्स कहते हैं, टोकरी वाले, जब तक उनको ये नहीं विश्वास होगा कि साहब भी हमारे परिवार का सदस्य है, तब तक किसी भी कंपनी का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, कभी भी कंपनी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। और दोस्तों, मैं ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं बोल रहा, मुझे याद है मैं CCL में जब ज्वाइन किया था 2012 में, तो इस कंपनी का एनुअल प्रोडक्शन था 47-48 मिलियन टन पिछले 4-5 वर्षों से, उतना ही रहता था, और उस 47-47 मिलियन टन में से पिपरवार का प्रोडक्शन होता था लगभग 14 मिलियन टन, धोरी एरिया हमारे आने के बाद हम लोगों ने 10 मिलियन टन किया था कल्याणी प्रोजेक्ट से। आज पिपरवार बंद हो गया, रिजर्व खत्म हो गया, कल्याणी बंद हो गया, रिजर्व खत्म हो गया, रोहिणी, कई प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, टोटल लगभग हम 24 मिलियन टन के प्रोजेक्ट्स रिजर्व डिप्लीशन की वजह से बंद हो गए। तो आज CCL का प्रोडक्शन कितना होता, 20 मिलियन टन। 20 मिलियन टन माने आपको BIFR में जाने से कोई रोक नहीं सकता, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हो। मगर आज CCL मेरे दोस्तों वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी अब तो 60 मिलियन 70 मिलियन, और आज की तारीख में 200 मिलियन टन प्रोड्यूस करने के लिए CCL तैयार है, जिसमें से 145 मिलियन टन तो सिर्फ हमारे 4-5 प्रोजेक्ट से आने, मगध से 75 मिलियन टन जो कि 2000 में शुरू होना था, उसको हम लोगों ने जाकर 2015 में शुरू किया, वहां हम लोगों के CCL की टीम की हिम्मत नहीं थी कि हम लोग गांव में जाएं, गांव वाले पकड़ बंधक बनाते। आज वही मगध प्लान हुआ 75 मिलियन टन के लिए, आज चल रहा है जिस हिसाब से बढ़ रहा है। कुसमुंडा में हम लोग थे, राकेश याद होगा, 6 मिलियन टन कुसमुंडा 20-22 साल में नहीं कर पाया, और उन्हीं पुरानी मशीनों से RBO बी शोभेल, यही राकेश कुमार प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, 9 मिलियन टन हम लोग सिर्फ डिपार्टमेंटल से किए थे, पुरानी मशीनों से, कोई मशीन नहीं जुड़ी और आउटसोर्सिंग भी नहीं शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ये जो हम दूसरे की सेवा करते हैं, इनफैक्ट ये कहने की बातें हैं कि हम दूसरे की सेवा करते हैं, हम दूसरे की सेवा नहीं करते हैं, उसकी सेवा करके हम अपना सेवा करते हैं, हम उसका भलाई नहीं करते हैं, उसकी भलाई करके अपनी भलाई करते हैं। सच्चाई यही है, वो दुआ देता है, और विशेषकर ये जो गरीब लोग हैं ना, जिसको ईश्वर ने गरीबी दे दी है, आप नहीं जानते हो, हम लोग तो स्कूल में पढ़ा भी करते थे, वो दरिद्रना है, वो कौन है, वो भगवान है, उस रूप में आए हुए हैं, क्या है आपको पता है, हम लोगों को कहां ज्ञान है,
ज्ञान तो है नहीं, हम लोगों को आदमी पहचानने की शक्ति तो है नहीं, तो हो सकता है कि जो हमें बनाया है वही उस रूप में आया होगा टेस्ट करने के लिए, और आप उसमें यदि फेल करते हो तो आप सोचो हमारे बनाने वाले को कितनी तकलीफ हो। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं, यदि हम लोग चाहते हैं कि कंपनी अपना लक्ष्य प्राप्त करे, कोयले का उत्पादन जो हमें टारगेट दिया जाता है हम करें। अब बताइए BCCL में भारत वर्ष का बेस्ट क्वालिटी कोल उपलब्ध, रिजर्व जबरदस्त है, 5-6-7 मिलियन बिलियन टन का रिजर्व, 100 साल तक भी इस रफ्तार से चलेंगे तो नहीं खत्म, इतना रिजर्व है, बेस्ट क्वालिटी कोल है। और तब हमारे डायरेक्टर फाइनेंस बेचारे को कहना पड़ता है कि साहब सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, बैंक यहां कटोरा लेकर जाते हैं कि भाई हमें कुछ लोन दे दो, लोन से कंपनी चल रहा है। क्या ये हम लोगों के लिए सोचने का विषय नहीं, कहां हम लोग जा रहे हैं? और मैं बताऊं कि क्षमता हम ही लोगों में है, जो लोग अभी BCCL में हैं उनमें क्षमता है। मैं जो कुसुंडा का एग्जाम्पल दिया, राकेश विटनेस हैं, ये उस टीम के सदस्य रहे, एक्टिव सदस्य थे, ये प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, इन्होंने किया है। चंचल निगाह के जनरल मैनेजर, मैं जब कोल इंडिया चार्ज में था चेयरमैन तो मैं निगाह गया था, इतनी बड़ी माइंड, और क्या सुंदर माइंड थी, चाहे उसका आप हॉल रोड देख लो, बेंच प्लानिंग देख लो, ड्रेनेज देख लो, हमें याद है सारे लोग, समीरन ही इज द बेस्ट फाइनेंस डायरेक्टर फाइनेंस इन कोल इंडिया, मुझे जरा भी हिचक नहीं है ये बात कहने, CA किया है इन्होंने, ये रैंक होल्डर्स थे हमारे डायरेक्टर पर्सनल। जब मैं कोल इंडिया चेयरमैन था तो मैं एक वहां GM रिक्रूटमेंट के लिए पूरे कोल इंडिया में बोला, यार एक GM खोजो, तो GM पर्सनल जो कि ईमानदार हो, सिंसियर हो, डेडिकेटेड, पूरे कोल इंडिया में हम खोजवाया, तब ये मिस्टर राव हमें मिले, और आज डायरेक्टर पर्सनल है BCCL। इस तरह की निदेशक मंडली, मैं जिस दिन पहला दिन मिला, जिस दिन ज्वाइन किया था, उस दिन भी हम ये चीज कहा था, आज दोहरा था, इससे बढ़िया निदेशक मंडली हो ही नहीं सकती। इतना दिन मेरे को CMD रहे, शायद लॉन्गे सर्वे हुआ, मैं बिल्कुल ये सर्टिफिकेट मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए मेरे दोस्तों, और जो हमारे जनरल मैनेजर्स हैं, आज भी मैं मलिक से बात कर रहा था, उस समय DP साहब जुटे हुए थे, हमारे लोगों में विश्वास जगाने की आवश्यकता है, उनको ये बताने की आवश्यकता है कि तुम हनुमान हो, जाकर सागर के किनारे सब लोग जब लाचार हो गए कि सीता तो उस पार है, ये समुद्र को कौन लांघेगा, जामवंत जी ने याद दिलाया, और सोचो कि हनुमान जी में इतनी शक्ति थी, उसी सेना में थे, इतनी शक्ति थी कि चाहते तो अकेले लंका को जलाकर मां सीता को इधर ले आते, मगर चूंकि वो कहानी होनी थी, दुनियादारी ईश्वर को दिखानी थी, तो ये शक्ति है। और आज मैं देखता हूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं, जैसे हमारी आदत नहीं, हम बोलते हैं कि यार ये चीज ना प्रेजेंटेशन जो है ना थोड़ा बना लो, और मैं आपको बताऊं ये टीम की बात होती है, धीरे धीरे हम लोग सब एक दूसरे को समझ जाते हैं और फिर उस अनुरूप काम करने लगता है। एक प्रेजेंटेशन बनाने में यार कितना लगता है, जब काम आदमी बोला कि ये काम होना है तो होना है, तो वो 5 बजे जाकर घर ही रुक नहीं जाती है शाम को, कि 5 बज गया आज तो दिन पूरा हो गया, अब चलो कल सुबह 10 बजे से काम होगा, ऐसा थोड़ा होता है। आज बनाना है तो अभी शुरू हुआ, जब तक नहीं माना तब तक आज हमारा दिन चलेगा, हो सकता है रात भर हमें जगना पड़े एक दो केसे में, उसमें क्या तकलीफ, अगला दिन सो लेंगे। हमें ये बताइए BCCL में वो जो यहां साइंटिफिक जियोलॉजिकली प्रूवन इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट प्लानिंग की आवश्यकता। तो दोस्तों, चूंकि आज बापू का जन्मदिवस है और ये इतनी बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है, और मैं समझता हूं कि ये राकेश का ब्रेन चाइल्ड है,
तो इसके लिए तो दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और ये इतनी अच्छी इनिशिएटिव है कि ये हमें प्रेरित कर दी वो मानवता के समंदर में जाने के लिए और गोता लगाने। अब ये देखिए ये इनिशिएटिव, ये बिल्डिंग पुरानी है, बीसीसीएल ने नया बिल्डिंग कोई नहीं बनाया, क्यों राकेश? बिल्डिंग पुरानी है, जस्ट उसको ठीक ठाक करके। और इसमें यहां क्या सामान आएंगे जो मैं बोला ना, सुबह 4 बजे जगते हैं इसलिए दो तरह के लोग जगते हैं, एक पेट को अंदर ले जाने के लिए, दूसरा पेट को बाहर लाने के लिए। सबके घर में कुछ ना कुछ बर्बाद होता है और इतना रहता है कि वो कचरा डस्टबिन में फेंकते हैं, फिर उस कचरे को डिस्पोजल करने में एक अलग मुसीबत। घरों में कपड़े इतने होते हैं कि लोगों के कबर्ड में जगह नहीं है कि हम वहां रखें और उसको कहीं फेंक देते हैं। ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है, कितना अच्छा एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। इस चीजों को चैनलाइज किया जाए कि यदि ईश्वर ने हमें दिया है तो हम अपने भाई को भी पहनाएं, ईश्वर ने अभी हमें दिया है तो हम अपने भाई को भी खिलाएं। कितनी अच्छी इनिशिएटिव है। और मैं ये आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, ये चूंकि कोयला बिहार में है, ये अपने हेडक्वार्टर परिसर में है, तो शायद पूरा बीसीसीएल इससे नहीं कवर हो पाएगा, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है, इसको कुछ दिन हम लोग चला लें। बीसीसीएल में एटलीस्ट 2-3 सेंटर इस तरह और खोलें कि ज्योग्राफिकली पूरा बीसीसीएल कमांड जोन कवर हो। ये हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, अभी इसको हम महीना भर चलाएं, इससे सीखें और जो कमियां रह जाएंगी उसको दुरुस्त करते हुए और हम आगे। आज स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स 2-2 उद्घाटन हुए। अब देखिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर की कितनी आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। हमारे ही बीसीसीएल में सब तरह के लोग, अब वो गरीब जो है चूंकि उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है इसलिए वो एक बेचारा झोपड़ी बनाकर कहीं कोने में बैठा हुआ है कि हम जाएं तो जाएं कहां, यहां तो चलो कुछ कमा लेते हैं, वहां चले जाएंगे तो खाए बिना ही मर जाएंगे। और जब आदमी खाए बिना मरेगा तो यार वो किसी आदमी को धक्का देते देते दीवार तक पहुंचा दोगे, उसके बाद वो कहां जाएगा? अब सोचो वो इस डर से वहां से नहीं हटना चाहता है। अब चूंकि वो नहीं हट रहा है तो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को कोयला निकालने के लिए जमीन नहीं मिल रही है, तो हमारी एक तरफ खदानें खड़ी हैं, एक तरफ उसके मन में डर व्याप्त है। परिणाम क्या हो रहा है कि हमारा लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा है। अब हमारा लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा है तो फिर देखिए इसके कितने दूरगामी प्रभाव हैं। स्टील प्लांट को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, कोकिंग कोल जो कि हमारे यहां मौजूद है। अब इम्पोर्ट हमारे देश में लगभग पिछला साल भी लगभग 245 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट हुआ है। अब आप समझिए 245 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट हुआ जिसका एस परसेंटेज 10% 12% उस टाइप का होता, नॉन कोकिंग कोल में थोड़ा ज्यादा होता, लेकिन यदि आप कन्वर्ट करें तो वो लगभग 250 मिलियन टन लगभग इंडियन कोल 500 मिलियन टन के बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ जीसीबी। अब हम इंडियन कोल के इक्विवेलेंट में यदि बात करें तो लगभग हम 500 मिलियन टन कोयला हर साल इंपोर्ट कर रहे हैं। 500 मिलियन टन माने एक लगभग दूसरी कोल इंडिया। अब एक कोल इंडिया से कितने लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा होगा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो एक कोल फील्ड की एक दिन ऐसी बात कर रहा था तो वहां निकाला कि ये कोल फील्ड में लगभग 10 लाख लोगों का रोजी रोटी कोलियरी के माध्यम से चलता है। पूरे कोल इंडिया में कीजिएगा तो ये आंकड़ा कितना आएगा मैं ऐसे बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो एक तरफ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, दूसरे तरफ आपको जो अपॉर्चुनिटी है कि जो इंपोर्ट हो रहा है 500 मिलियन टन उस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल नहीं कर रहे हैं। कंट्री का फॉरेक्स जा रहा है, कंट्री को करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, जबकि आपके पास इतना कोयला का भंडार है कि आप जिस रफ्तार से भी निकालना चाहें
कोयले का भंडार खत्म नहीं, 1000 मिलियन टन निकालो। चाइना में क्या हुआ? चाइना का और हमारा रिजर्व ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, वर्ल्ड का 7% हमारे पास रिजर्व है, उनके पास लगभग 9%, और वो करता है 4 बिलियन 4000 मिलियन टन कोयले का उत्पादन, हम अभी 1000 भी नहीं पहुंचे। और सिर्फ कोयला की बदौलत आज चाइना चाइना है, जो मेरा मानना, इतना कोयला निकाला, इतना बिजली का उत्पादन किया, इतनी सस्ती बिजली दिया अपने देशवासियों को, तो उसका सब सेक्टर ग्रो कर गया, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, क्योंकि बिजली सबकी आवश्यकता हो। और हम लोग इसी में लगे हुए हैं, ये इनक्रोचर बेचारे बैठ गए, उनको भी डर हो गया, वो नहीं हटेंगे। मैं चाइना में था, मुझे याद है एक ओपन कास्ट माइन थी, 10 क्यूबिक मीटर शोवेल था, बिल्कुल पहुंच रहा था, सामने घर दिखा, तो मैं पूछा यार तो घर आ गया, माइन बंद हो जाएगी? तो उसको उस सबको आश्चर्य हुआ, बोला क्यों, ये तो क्या डेट बताया, कुछ हमें याद नहीं है, लेकिन मान लो, बोला कि 20 जून को ये घर हट जाएगा, गांव हट जाएगा, विलेज, जो भी वहां की व्यवस्था है। हम प्रजातांत्रिक हैं, ठीक है, उस अंदाज में नहीं चल सकते, गोली बंदूक नहीं चला सकते, लेकिन लोगों का विश्वास तो जीत सकते हैं, और विश्वास जीतने से होता है। और उदाहरण के लिए, कहीं और नहीं जाना है हमें, इंग्लैंड अमेरिका नहीं जाना है, मैं तो खुद यहां देखा हूं सीसीएल में, और यही हमारी परियोजनाएं हैं, मगध हो, आम्रपाली हो, कोनार हो, पुरनाडी हो, कितना कर हमने यही देखा हूं। और मगध में अभी भी, चूंकि उनका लैंड ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, कंपनसेशन अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन गांव वालों ने जमीन दे दी कि साहब आप चला लो, जब ऑथेंटिकेशन होगा तो हमें नौकरी दे देना, कंपनसेशन दे देना। यही बगल में इसी प्रदेश में हुआ है ये उदाहरण। तो दोस्तों, हमें बड़ा आवश्यक है कि हम बीसीसीएल में लोगों का विश्वास जीतें, विशेषकर ग्रामीणों का, गरीबों का, श्रमिकों का, जो हमारे कमांड जोन में जो किसान है, कई जगह खेती कर रहे हैं, वो नहीं हटना चाहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारा अपना माइंड बंद कर दो, लेकिन हम यहां खेती करें, उन किसानों। और जिस दिन विश्वास हो जाएगा, आपको वो जमीन दे देगा कि बाबू अपनी माइन चलाओ, देश का कल्याण करो, क्योंकि हम जानते, वो वही बोलेगा कि हम जानते हैं कि आप आदमी अच्छे हो, हमको अपना परिवार मानते हो, हमारा भी केयर आप ही करोगे। और हमें करना भी बहुत कुछ नहीं है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जितने भी ये हमारे इनक्रोचर्स हैं, हर घर से कम एक युवा को हम इतना बढ़िया कौशल विकास का ट्रेनिंग दें, उनको हम कंप्यूटर सिखाएं, वेल्डिंग सिखाएं, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दें, ऑटो इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दें, मैकेनिकल फिटर की दें, मैसन की दें, और जिस दिन आप बढ़िया से ट्रेन कर दोगे, उनको खुद ब खुद रोजगार मिल जाए, वो फिर इधर उधर भटकते नहीं रहेंगे। और जिस दिन उनको रोजगार मिल गया, उनका बीसीसीएल परिवार पर विश्वास जगा, उस दिन वो आपकी बात मानने लगेंगे और कहोगे कि भैया यहां से हटकर वहां चले जाओ, मैं आपको जगह दे रहा हूं, वो बंदा खुशी खुशी चला जाएगा। अब R&R साइट आप जितना भी पैसे दे लो, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना। अब R&R तो यहां से हटेंगे वहां चले जाएंगे, वहां से हटेंगे वहां, वो भी बेचारे वेगाबॉन्ड जैसा घूमते रहेंगे, आप भी परेशान रहो। तो ये कंप्लीट पैकेज के रूप में हमें सोचना है। और हमें बीसीसीएल, देखो आज प्लान माइनिंग का जस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है, आज आप सोचिएगा तो इसका रिजल्ट आता है 2 साल 3 साल 4 साल बाद आता है, लेकिन कभी तो शुरुआत करनी होगी। आज यदि सीसीएल इस मुहिम पर पहुंचा है तो पिछले 7-8 वर्षों का परिश्रम, तो कोई ना कोई तो शुरू किया। हर आदमी इतना स्वार्थी नहीं होता है कि खाली हम अपने समय काटो नहीं है किसी तरह, जितने भी दिन बचे हैं काट कूट कर चलो अपना, चलेंगे जो आएगा चला, समझेगा। हर आदमी इतना स्वार्थी नहीं होता है और नहीं होना चाहिए, यदि होगा तो देश डूब जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि अगले 5-10 साल के लिए हमें प्लानिंग कर देना है, वे फॉरवर्ड एक बना देना है, रास्ता तय कर देना है, बोर्ड वोर्ड में आप डिसाइड कर लीजिए और फॉलो होते रहेगा। और बीसीसीएल जैसी कंपनी, वर्ल्ड इंडिया की बेस्ट कंपनी होने का इसमें पोटेंशियल है। और ये हम लोगों का दायित्व है अभी करंट FDs का, कि हम लोग वो दिशा तय कर दें ताकि ये कंपनी उस राह में चलती रहे और बेस्ट। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
दिल से आप सब लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आज मैं डीपी साहब से आग्रह किया हूं टेलीफोन पे कि आप एक CSR का विजन डॉक्यूमेंट बनाएं, एक सप्ताह में बना लें। जो चीज एक सप्ताह में नहीं बन सकती है, मेरा मानना है कि वो साल भर में भी नहीं बनेगी, उठाल मटोल की राजनीति में चलती रहेगी। तो एक सप्ताह में आप CSR का विजन डॉक्यूमेंट बनाएं। ऑल इंडिया चेयरमैन भी बोले हैं कि हम मदद करेंगे आप लोगों को यदि आपके पास फंड नहीं है तो, और आपका कॉज अच्छा रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, सब लोग आपको मदद करें। तो मैं DP साहब से जो आज बात किया था, मैं पुनः दोहराता हूँ, ये सप्ताह के अंदर अपना विजन CSR जरूर बना लें ताकि हम आगे उस राह पर चलते रहें, ताकि हमारा BCCL दिनानुदिन लक्ष्य प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता रहे। तो मैं पुनः आज इस महान अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हर व्यक्ति के का भविष्य कल और बेहतर हो, सब लोग सुखी रहें और BCCL एक नई ऊंचाई, एक नई हाइट, एक नए अंदाज में दिन प्रतिदिन प्राप्त करता रहे, ताकि BCCL अंततः भारतवर्ष की बेस्ट कंपनी बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। हमेशा की तरह एक बार फिर से आपका उत्साहवर्धक प्रेरणादायक संबोधन सुनने अवसर मिला। BCCL परिवार आपके प्रति आभार प्रकट करता है। बहुत बहुत आभार मगर। तो आज CMD सर की प्रेरणा, DTOP सर के मार्गदर्शन और निदेशक मंडल के सहयोग से आज स्नेह परोपकार केंद्र का शुभारंभ किया जा चुका है। और आज इस अवसर पर इस समारोह को सफल बनाने के लिए यहाँ पर रांची से सुदूर माध्यम से उपस्थित होने के लिए मैं अध्यक्ष प्रबंध निदेशक महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं निदेशक मंडल का आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों, महाप्रबंधकों और यहाँ उपस्थित कोयला नगर के तमाम लोगों का मैं आभारी हूँ जो इस कार्यक्रम में आए, उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग करने वाले सभी लोगों का मैं हार्दिक और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ इस कार्यक्रम के अंत की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।